थोड़ा सा चुपके से देखने की कोशिश। I'm sorry. It's okay. आपने मुझे माफ कर दिया ना? Thank you so much. आपका नाम क्या है? फारस। मेरा नाम हाया है। घुमाओ फिर आओ, कहीं खाने पे ले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाओ। और हाँ, तबरेज की तबीयत अच्छी हो जाएगी तो हनीमून का भी प्लान बना लो। आपसे ये सब आया ने कहा? नहीं, लफ्जों में तो नहीं कहा, अलबत्ता इशारों इशारों में तो कह दिया। मम्मी से ये सब बातें क्यों कही? नहीं हारे, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा अगर अम्मी को छोटा साबित करने की कोशिश भी की। तुम्हें क्या लगता है कि अम्मी के सामने ये सारी बातें करने के बाद तुम मेरे सामने भोली सूरत बनाओगी तो मुझे मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम सच बोल रही हो और अम्मी झूठ? ये क्या पता? चलें, डैडी आपको बुला रहे हैं, खाना खा लीजिए। I'm sorry, मैं नहीं आ सकूंगा। क्यों? भूख नहीं है। अरे चलें तो सही, खाना इतने मजे का है कि आपको खुद भूख लग जाएगी। कहा है ना भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे। लेकिन आपने तो डैडी से प्रॉमिस किया था। Will you please leave? क्या हुआ बेटा? तुम फारस को बुलाने गई थी? नो, एक्चुअली डैडी। आगे? वो नहीं। नहीं है मतलब? तब वो घर पर नहीं है। अच्छा, चलो आओ, आप तो खाना खाओ, आ जाओ, आओ ना। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले भूख के मारे जान निकली जा रही थी, अब भूख नहीं है? पसंद करो। ये अच्छा लग रहा है तुम पर, सूट करेगा। मैं ये पैक कर रहा हूं, तुम कुछ और भी देख लो। क्या देख रही हो? उन दोनों को जानती हो तुम? तो शो खड़े नहीं।
मैं नहीं जानती। सच सच बताओ, तुम उन्हें जानती हो या नहीं? डरने वाली कौन सी बात है, ये तो अच्छी बात है। शॉपिंग के लिए आए हो ना आप, चलो कुछ और भी देखो, इधर आओ, चलो चलो। हेलो, कैसी हैं आप? फारिस, कहाँ हो बेटा? जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। अपनी अम्मी को भी नहीं बताओगे? हया को देखा था आज आरे भाई के साथ। कहाँ? यहीं इसी शहर में। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं जाता ही नहीं। फारिस, अगर लंदन नहीं जाना था बेटा तो घर आ जाते ना। तो घर भी तो इसलिए नहीं आया, बहुत दिख जाती मुझे। उन लोगों ने तुम्हें देखा तो नहीं? पता नहीं, बस एक सवाल पूछना था आपसे। हया खुश है? हाँ बहुत खुश है। और वो खुश होती ना तो मैं आपसे कभी सवाल पूछता भी नहीं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? काश अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता मुझे। अच्छा चलता हूँ, फिर कॉल करूंगा। अच्छा ये तो बताओ, हो कहाँ? घर के बाहर। क्या? मैं अभी आती हूँ। फारिस जाना मत। फारिस, 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 thank you.
उठ गए बेटा? जी अंकल। कल खैरियत थी? यह आपको डिनर के लिए बुलाने आई, आप कहीं जा चुके थे? वो कल एक इमरजेंसी थी ना, तो अंकल वहां जाना पड़ गया। अब प्लीज बैठे। आई एम फाइन, चलता हूं। आपके लिए नाश्ता बनवाना, आज तो कहीं नहीं ना जाना, नाश्ता तो कर लोगे ना? जी अंकल, थैंक यू। यू आर वेलकम बेटा। बुशरा भाई, हया नहीं आई? आई तो थी, आप सो रहे थे। नहीं, मैं तो जाग रहा था, सिर्फ इस इंतजार में कि वो आएगी तो उसे मिलूंगा। आपको पता ही कब चलता है, बैठे बैठे तो आप सो जाते हैं। आप फिक्र क्यों करते हैं, वो अपने घर में खुश है। अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर तो बना लाओ और उससे कहना कि मुस्कुरा कर बनाए हारिफ के साथ। अगर उस आना होगा तो आ जाएगी, पहले कोशिश करना कि वो आ जाए। अगर ना आए तो तुम उसकी तस्वीर जरूर बना लेना। बनाओगे ना? अच्छा, मैं भी जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। अभी के अभी आई। भाभी, भाभी। क्या हुआ बुशरा? भाभी, तबरेज की तबीयत ठीक नहीं है, आप हया को थोड़ी देर के लिए भिजवा देंगे? हाँ, एक मिनट। हया, हया बेटा, तुम्हारी अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, तबरेज की तबीयत ठीक नहीं है, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देख के वो ठीक हो जाएंगे। मगर वो हारे घर पे नहीं है। भाभी, आप इजाजत दे दीजिए ना। चलिए जाओ बेटा, हारे से मैं खुद बात कर लूं, जाओ। चलो ना बेटा, तुम्हें देख के वो ठीक हो जाएंगे। सॉरी, मैं कल बहुत रूड हो गया था आपके साथ। एंड थैंक यू, आपने फसी अंकल को कल के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी। माफी चाहिए आपको, एक शर्त पे माफ करूंगी, आपको मेरे साथ बाहर जाना होगा। डैडी कब आ जाए और इतने काम पड़े, साथ देने वाला कोई नहीं।
बताएं फिर माफी चाहिए आपको या नहीं। मैं चलता हूं आपके साथ। ठीक है फिर, मैंने भी माफ किया आपको। अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए। चले फिर। After you. कैसी तबीयत है तब्रेज की? जी अब बेहतर। हया मेरे साथ आओ, मुझे बहुत जरूरी बात करना है। आओ बैठो। हया फारिस इसी शहर में है क्या? वो मुझसे बहुत नाराज है, वो समझता है तुम हारिब के साथ खुश नहीं हो। हया उसे कॉल करो, उसे कॉल करके यकीन दिला दो कि तुम हारिब के साथ खुश हो इसी तरह जैसा तुमने तबरेज को यकीन दिलाया। कॉल करो उसे। मगर मैं उसे कैसे कॉल करूंगी? हया वो बहुत दुखी है और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं। वो लंदन चला जाता ना तो मुझे सुकून आ जाता। वो तुम्हारी आवाज सुनेगा तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो चला जाएगा यहां से। अगर हारिब को पता चल गया तो? तुम अगर फारिस को फोन नहीं करोगी तो मैं हारिब को बता दूंगी कि तुम उसकी इजाजत के बगैर तब्रेज को मिलने गई। अब बताओ तुम फारिस को फोन करोगी या नहीं? बोलो। खबरदार रेडी जा, आपने अपनी आंखें खोली, खामोशी से मेरे साथ चलते रहे। बेटा ये तो बता दो जाना किधर है। फिर बोल रहे हैं आप? डैडी आप भी ना मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। जब मैंने एक बार बोल दिया, ये देखें आप आंखें भी खोल रहे हैं अपनी। आपने बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी है, आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा बाबा मुझे ये तो बता दो लाडो रानी जाना किधर है। आप चले तो सही, फिर आपको पता चलेगा। जिद्दी लड़की। बिल्कुल आराम से डैडी, आंखें नहीं खोलेगा अभी जब तक मैं ना कहूं। अरे नहीं बेटा वो ओके। अब आप रुके, अब अपनी आंखें खोले। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। चले जल्दी से केक काटें। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको पता डैडी इस बर्थडे को अरेंज करने में फारिस ने मेरी बहुत हेल्प की है। Really? Thanks बोले सर। अरे नहीं नहीं थैंक यू क्या बात है। थैंक यू बेटा। अच्छा चले फारिस एक तस्वीर तो लो हमारी। हाँ हाँ अच्छी वाली सेल्फी। ठहरो थोड़ा और दूर करो ना। अब सही है? हाँ आप ठीक। इतना जानने का तो हक है मुझे। सिर्फ हारिब का हक है मुझ पे। वो शाजिया का फोन था, दावत पर बुला रही थी। ला फोन दिखाओ मुझे।
हर साल इसी तरह डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कल काफी अरसे बाद हम लोग बहुत खुश थे। जानते हो क्यों? क्यों? और तुम्हारा बर्थडे? मैं सेलिब्रेट नहीं करती। एक्चुअली डैडी का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन मेरी जिद के आगे उनकी नहीं चलती। पूछोगे नहीं क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मेरी बर्थडे वाले दिन मम्मी और डैडी की डिवोर्स हो गई थी। सारा कसूर मम्मी का था। मम्मी डैडी की किसी बात को भी अहमियत नहीं देते थे, लेकिन डैडी मम्मी की हर बात मानते थे। डैडी ने मम्मी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, घर, बिजनेस, यहाँ तक कि दादी को। दादी तो डैडी के इंतजार करते करते इस दुनिया से ही चली गई। डैडी ने मम्मी को कभी इस बात का ताना नहीं दिया, हमेशा उनका साथ दिया। मम्मी अपना बिजनेस करना पसंद करती थी, ये बात डैडी को अच्छी नहीं लगती। फिर भी कभी उन्हें मना नहीं किया, हमेशा उनके साथ रहे। जानते हो किसके खातिर? ये बच्चों के खातिर, मेरे खातिर। बारिश, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बाप अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने ये महसूस भी कर लिया डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकते। डैडी को सब कुछ भूल जाने की आदत है, वो मम्मी की हर बात चुप करके भूल जाते, सह लेते सब कुछ। लेकिन मम्मी ने जो किया था वो तो कोई भी हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी और के साथ अफेयर चला लिया था, और मेरी बर्थडे वाले दिन वो डैडी से रिवोर्स लेने आ गई थी। उन्हें तो ये दिन तक नहीं याद था। जानते हो, जब मैंने मम्मी से पूछा कि आज क्या दिन है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगी कि आज मेरी आजादी का दिन। भूल गई थी कि आज मेरी बर्थडे है। मुझे साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। बेटियां माँ को बहुत प्यार करती, लेकिन शायद मैं वो बेटी ही नहीं। जानती हो मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और मेरी जिंदगी में दोस्तों की बहुत कमी है, और जो है मेरे पास मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं है? ना, मेरे डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त। हेलो फारिस, है? हाँ वो है। तुम कहाँ हो? इसी शहर में। क्यों? क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तुम प्लीज यहां से चले जाओ, अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। ताईजान तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। और तुम?
तुम परेशान हो मेरे लिए? नहीं, अब मैं सिर्फ हारिब के लिए परेशान होती हूँ। ये बात तो है, तुम अब सिर्फ परेशान होती हो, खुश थोड़ी होती हो। मैं बहुत खुश हूं। झूठ बोलना कब से सीखी? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, मैं रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही। जब तो यकीन नहीं कर लूंगा कि तुम खुश हो, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। तुमको क्या, मैं खुश हूं, जीऊं या मरूं? ना जानने का तो हक है मुझे, सिर्फ हारिब का हक है मुझ पर। वो शाजिया का फोन था, दावत पर बुला रही थी, अचानक से फोन कट गया, शायद क्रेडिट खत्म हो गया था। ला फोन दिखाओ मुझे। फोन दिखाओ मुझे। हया, वो हया बेटा, मैं सालिया से बात कर रही थी, वो खाने पे बुला रही थी। मैंने कहा कि हम कैसे आ सकेंगे इतनी जल्दी, तो बात कट गई। तो वो मैं आई थी कहने के लिए कि हया जरा बेटा अपना फोन देना, मैं बात कर लूं। अब ताईजान फोन, ओह आई एम सो सॉरी, तो कर लो बाद में, बाद में कर लूंगी। नहीं, वो मेरे फोन में कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। कॉल बेटा जरा नंबर मिलाओ सालिया का, उससे बात कर लेते हैं, उसको समझाते हैं किस तरह कैसे आ सकते हैं हम लोग खाने पे इतनी जल्दी। बात ही कर रही थी तो फोन कट गया, नंबर मिलाओ मुझे। ऐसे उसको बता देना कि इस तरह थोड़ी बुलाते हैं भाई, कोई तरीका होता है बुलाने का, शिजा का बहाना कर देते हैं कि उसके इम्तिहान हो रहे हैं। क्या ख्याल है? सोचता रहता हूं। अब किसे फोन कर रही हो? सालिया पप्पू को। हाय ना हया, तुम क्या वाकई इतनी भोली हो या सिर्फ मेरे सामने बनती हो? क्या हो क्या ताईजान? वो तो मैंने बहाना बनाया था हारिब से तुम्हारा फोन लेने के लिए। क्या बात हुई फारिस, बोलो। जी वो बात मुकम्मल नहीं हो सकी, हारिब आ गए थे। तो तुम्हें किसने कहा था कि उस वक्त कॉल करो जब हारिब घर पे आने वाला हो? वो तो शुक्र है मैं बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो अगर फोन डाल करता, आगे से फारिस बोलता तो कयामत आ जाती ना। डिलीट करो उसका नंबर अभी फौरन, और आइंदा मैं तुम्हें बताऊंगी फारिस से कब बात करनी है। और हाँ, शाजिया को फोन करो, मेरी बात करो, और सालिया से भी एहतियातन, कहीं ये ना हो कि हारिब फोन करे और हमारा झूठ पकड़ा जाए। चलो मिलाओ।
प्लीज यहाँ से चले जाओ, अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। ताईजान तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। और तुम परेशान हो मेरे लिए? नहीं, अब मैं सिर्फ हारिफ के लिए परेशान होती। तुमको क्या, मैं खुश हूं, जीऊं या मरूं। जानने का तो हक है मुझे, अब सिर्फ हारिफ का हक है मुझे। टाइम क्या हो गया होगा? 10 बज रहे होंगे। क्यों, अब तक तो हया जागी होगी ना? हाँ, नाश्ते के बाद मिलने आएगी। क्यों, उसने आपसे कहा था आने को? नहीं, वो रोज आती है तो आज भी आएगी ना। 2 कदम पे मायका है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि बेटी हर रोज माँ बाप से मिलने आएंगी। वो नहीं आएगी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि उसे देखकर ही मैं ठीक हुआ, वरना तो मैं वहीं बिस्तर पर पड़ा रहता। मैंने ये कब कहा है कि वो नहीं आएगी? आएगी, देखे ना, अब उसके ससुराल का मामला है, 100 जिम्मेदारी है उस पर। वो नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। आप? ना, जब से शादी हुई है मैं उसके घर जा ही नहीं पाया हूं। वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। तुम ऐसा करो कि मेरा कोई अच्छा सा जोड़ा स्त्री कर दो। वो तो मैं स्त्री कर दूंगी, लेकिन आप एक बात का ख्याल रखिएगा। हया और फारिस का जिक्र आप हारिफ के सामने मत कीजिएगा, उसको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है। अच्छा, ये ले। तरो मत, करंट नहीं लगेगा। बात करो, ऐसे रखो, फोन गिरना नहीं चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कॉल आनी और बैटरी डेड हो गई, ये पूरी तरह चार्ज हो जाए तभी मुझे दे, ठीक है? और ज्यादा हिलो मत, चार्जर हिल जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और मैं यही हूं तुम्हारे पास, यही बैठा हूं, ठीक है? बोर हो रही हो ना? आई नो, काम करते हैं हम, बातें करते हैं। आज सुबह जब मैं घर आया था तो जैसे कमरे में एंटर हुआ तुम फोन पे किसी से बात कर रही थी, लेकिन अचानक तुमने फोन बंद कर दिया। क्यों?
क्यों? अच्छा एक मिनट, तुम्हारे मुंह में तो तार है, तुम बोल ही नहीं सकती। नहीं तार निकालो मत, नहीं तुम चुप रहो, सुनती रहो। तुम जानती हो मैंने क्या किया? मैंने शाजिया को कॉल की। जब तुम मम्मी के साथ कमरे से बाहर निकली तो फौरन कॉल की मैंने। इधर उधर की बातें की शाजिया के साथ, उसने दावत की कोई बात ही नहीं की। तुमने झूठ बोला था ना? हाँ, अब सच सच बताओ, किससे बात कर रही थी? बताओ। फिर भूल गया। चलो ये बताओ, शो बताओ। मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। कौन दोस्त? यूनिवर्सिटी की दोस्त थी। क्या कह रही थी यूनिवर्सिटी की दोस्त? वो पूछ रही थी तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। तुमने क्या कहा? मैंने हाँ, क्या जवाब दिया? समझ गया, यही कहा होगा कि हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जाने नहीं देते, ऑल दिस एंड दैट, ये सब कुछ कहा होगा, है ना? होता है, पता है, आगे पढ़ने का ख्याल ना अपने दिल से निकाल लो, घर संभालो। तुम्हारा क्या काम डॉक्टर बनने से? नजरों से हया की वो हालत देखो जिस हालत से मैं पिछले 25 बरसों से गुजर रही। करती ना मुझसे मुंह करती हूँ, आंखों में दिखती क्यों नहीं? तो मिलना होगा। अगर तुम फारिस को फोन करके मना नहीं करोगी तो मैं हारिस को बता दूंगी कि तुम फारिस से मोहब्बत करती। क्यों करेंगे मेरे साथ ऐसा? ये तुम जाकर अपने बाप से पूछो। आपने कभी ताई जान के साथ कुछ बुरा किया है? ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का।